साल का पहला सूर्य ग्रहण इन पांच राशियों के लिए वरदान मिलेगा, मान सम्मान सब कुछ। ग्रहण एक खगोलीय घटना होती है जिसका काफी महत्व बताया और माना जाता है। बात करें वर्ष 2024 में लगने वाले ग्रहण की, तो इस साल का पहला ग्रहण सूर्य ग्रहण के रूप में लगने वाला है, जो कि 8 अप्रैल को यानी कि चैत्र मास की अमावस्या के दिन लगेगा। अमावस्या पर लगने वाला ये ग्रहण कई मायनों में खास माना जा रहा है। आज अपने विशेष वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे सूर्य ग्रहण से जुड़ी कुछ बेहद दिलचस्प बातों की जानकारी, इस सूर्य ग्रहण का समय, दृश्यता और साथ ही जानेंगे कि किन राशि के जातकों के जीवन में इस सूर्य ग्रहण के सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। सूर्य ग्रहण 2024, समय और दृश्यता। सबसे पहले बात करें सूर्य ग्रहण की, तो यह एक ऐसी खगोलीय घटना है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। ऐसी स्थिति में सूर्य की चमकीली सतह चंद्रमा की वजह से नजर नहीं आती है और सूर्य पूरी तरह से ढक जाता है। इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसका ज्योतिष और धार्मिक दोनों ही क्षेत्र में विशेष महत्व माना गया है। साल का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को लगेगा। इस सूर्य ग्रहण के प्रकार की बात करें तो यह एक खग्रास सूर्य ग्रहण होगा। खग्रास अर्थात यह एक ऐसा ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच में आ जाती है और वो इतनी दूरी पर ही होती है कि सूर्य का प्रकाश कुछ समय के लिए पूरी तरह से पृथ्वी पर जाने से रुक जाता है, जिससे अंधेरा हो जाता है और इस दौरान सूर्य पूरी तरह से नजर आना बंद हो जाता है। इसे ही खग्रास सूर्य ग्रहण कहते हैं। ज्योतिष में इसका प्रभाव सबसे ज्यादा माना गया है। अब बात करें दिन और दृश्यता की, तो साल का पहला सूर्य ग्रहण चैत्र मास की अमावस्या को 8 अप्रैल 2024 को लगेगा। समय की बात करें तो रात्रि रात के 9:12 बजे से रात्रि 26:22 तक 9 अप्रैल 2024 की सुबह 2:22 बजे तक। ये सूर्य ग्रहण कहाँ आएगा नजर? पश्चिमी यूरोप, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक, मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका, अलास्का को छोड़कर कनाडा, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भागों में, इंग्लैंड के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, आयरलैंड, भारत में दृश्यमान नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इस सूर्य ग्रहण का किन राशियों के जातकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। सूर्य ग्रहण से इन राशियों को मिलेगा अपार लाभ। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए साल का पहला सूर्य ग्रहण वरदान साबित होने वाला है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए बेहद ही अनुकूल होगा। आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में कामयाब होंगे। मेष राशि के जातक इस अवधि के दौरान धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में ज्यादा रुचि दिखाएंगे और साथ ही आपको इन कार्यों में शामिल होने के ढेरों अवसर भी प्राप्त होंगे। अगर आपको लंबे समय से कोई स्वास्थ्य संबंधित परेशानी थी तो इस दौरान उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इसके अलावा आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत रहेगा। मिथुन राशि। दूसरी जिस राशि के लिए साल का पहला सूर्य ग्रहण बेहद ही शुभ रहने वाला है वह है मिथुन राशि। इस दौरान मिथुन राशि की नौकरी पेशा जातकों को उनकी नौकरी से संबंधित कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आय में वृद्धि होगी जिससे जीवन से आर्थिक परेशानियां दूर होगी। मिथुन राशि के जातक अपने जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करने में कामयाब होंगे। आपका वैवाहिक जीवन सुखमय और शानदार बनेगा। इस राशि के जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें इस अवधि का विशेष रूप से लाभ मिलने वाला है। अगर आप निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो सूर्य ग्रहण की यह अवधि आपके लिए अति शुभ रहेगी। आप इस संदर्भ में कदम आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह समय आपके लिए बेहद ही अनुकूल संकेत दे रहा है। सिंह राशि। तीसरी जिस राशि के लिए सूर्य ग्रहण बेहद ही शुभ संकेत दे रहा है वह है सिंह राशि। अगर आपका लंबे समय से कोई कार्य रुका हुआ था तो वह इस अवधि में पूरा हो सकता है। नौकरी पेशा जातकों को कार्य क्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा। आपके कार्य को पहचान मिलेगी। इसके अलावा इस दौरान आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और इन यात्राओं से आपको लाभ भी मिलेंगे। आय में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। आप इस दौरान जो भी काम करेंगे उसमें आपको सराहना मिलेगी। आपके द्वारा किए गए काम में भी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं।
इसके अलावा सिंह राशि के जातक को नौकरी और व्यापार के लिए भी यह समय बेहद ही शुभ संकेत दे रहा है। कन्या राशि, चौथी जिस राशि के लिए सूर्य का ये गोचर अनुकूल रहने वाला है वह है कन्या राशि। इस दौरान आपके जीवन में धन लाभ के उच्च योग बनते नजर आ रहे हैं, जिससे आपका आर्थिक पक्ष बेहद ही मजबूत बनेगा। नौकरी और व्यापार के क्षेत्र से जुड़े जातकों को इस समय अवधि में तरक्की मिलेगी। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको इसका शुभ परिणाम अवश्य प्राप्त होगा। परिवार के सदस्यों के साथ आप क्वालिटी वक्त व्यतीत करने में कामयाब होंगे। इस अवधि में आप कोई नया वाहन या मकान खरीद सकते हैं। वैवाहिक जीवन सुखमय बनेगा। जीवन में सभी क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इसके अलावा इस राशि के जो जातक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय विशेष रूप से शुभ रहेगा। धनु राशि, आखिरी जिस राशि के लिए सूर्य का ये गोचर बेहद ही शानदार संकेत दे रहा है वह है धनु राशि। इस दौरान आपको आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलने वाला है। आपके मान सम्मान और प्राप्त प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बनेंगे। आपको उच्च मात्रा में धन लाभ होगा। अगर आप धैर्य से काम लेते हैं तो जीवन के तमाम क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा कार्यक्षेत्र में सभी आपकी तारीफ करेंगे। इस राशि के जो जातक व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो उन्हें भी लाभ मिलेगा। अपने पार्टनर के साथ समय व्यतीत करने के लिए ये समय बेहद ही शुभ रहने वाला है। इसका खुलकर लाभ उठाएं।